नवाचार आओ अखबार पढ़े ने ना कि कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि बच्चों में भाषा विकास, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान सहित क्षमता का इस कदर संवर्धन किया कि उन्हें एक से लेकर 50 तक पहाड़ा कंठस्थ हो गया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सीतापुर के दो शिक्षकों को एडू लीडर्स 2022 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान 4 फरवरी को लखनऊ में आयोजित निपुण भारत मिशन शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार में प्रदान किया जाएगा। वैसे तो यूपी के सभी 75 जनपदों से 150 शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे, लेकिन सीतापुर के जिन दो शिक्षकों को यह सम्मान प्रदान किया जाना है उनमें ब्लॉक मोहली क्षेत्र में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला व मोहम्मद इरफान का नाम शामिल किया गया है। नवाचारी शिक्षक अभिषेक शुक्ला मोहली विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सहजापुर से सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए नित नवीन शिक्षण विधियों, नवाचार व ICT आधारित शिक्षण पर बल दिया जाता है। नवाचार, सांप सीढ़ी, मैजिकल बैग, आओ अखबार पढ़े व जादुई पेंसिल बच्चों के साथ ही शिक्षकों को भी बहुत पसंद आते हैं। बच्चों की शिक्षा हेतु अभिव्यक्ति बेला, कहानी सुनाओ प्रतियोगिता, पठन उत्सव, स्वरचित बाल साहित्य को शिक्षण में प्रयोग करके बच्चों के उज्जवल भविष्य का मार्ग निरंतर प्रशस्त किया जा रहा है। ये बताइए, जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है? गंदा पानी। यही तो बताया कि जल प्रदूषण मतलब गंदा पानी, और गंदे पानी पीने से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? हाँ, टाइफाइड और हाँ मलेरिया नहीं होता है, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। इस विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कुसैला द्वितीय के शिक्षक मोहम्मद इरफान अपने प्रयासों से विद्यालय के परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन कर बच्चों को स्वास्थ्य वातावरण प्रदान किया है। बच्चे निपुण भारत लक्ष्य प्राप्ति हेतु अग्रसर है। विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल कूद प्रतियोगिता में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज बच्चों 1 से 100 तक का पहाड़ा, जैसे 1 से 10 तक पहाड़ा तो लगभग हमको लगता सारे बच्चों को याद है, 20 तक कोई याद कुछ बच्चों को होगा, लेकिन अगर कोई कहे कि 1 से 100 तक पहाड़ा याद कर लो तो याद कर पाओगे? नहीं, कठिन है। एक तरीका है, एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक से तो 1 से 100 तक पहाड़ा लिख लोगे, उसके बाद अगर याद करना चाहो तो याद भी कर लोगे। तो 1 से 100 तक पहाड़ा याद करने का एक आसान तरीका बताते हैं। जैसे 19 का पहाड़ा है, ये 19 का पहाड़ा है, तुमको तो याद है? याद है? नहीं याद है। 1 का पहाड़ा तो पढ़ ही लोगे, 9 का पहाड़ा पढ़ लो, ठीक। तो 1 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, 1 × 7 = 7, 1 × 8 = 8। ये 1 का हो गया। 9 का पढ़ो, 9 × 18 = 18, 9 × 27 = 27, 9 × 36 = 36, 9 × 45 = 45, 9 × 4 = 54, 9 × 63 = 62, 72 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81, 81 = 81
वो उसमें लिखना है। देखो ये 1919 आ गया, 1919 क्या आ गया, इसमें क्या करेंगे हम, ये दो डिजिट ले लेंगे, इसको एक दो और एक को वो कर देंगे, जोड़ देंगे और आठ ऐसे लिख देंगे। ये तरीका है, ट्रिक है पहाड़े को याद करने का। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें ये 57 हो गया, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम दो ले लेंगे और इसको लिख देंगे। ये कितना हो गया, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दो के को ये 5 और 4 को जोड़ के ये कितना हो गया 12। देखो कितना आसान हो गया याद करना, ये क्या हो गया 6 5 11 और 4 114, ये हो गया। फिर
इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, 6 × 13 और ये 3 135 हो गया। फिर ऐसे इसको करेंगे, ये 7 और 8 15 हो गया, वो 7 और 8 15 हो गया, और ये 2 ऐसे लिख देंगे। फिर ये 8 और 9 कितना हुआ, 17 हो गया, इसको जो जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये 1 लिख देंगे, और ये कितना हुआ। इसमें हम क्या करेंगे, इकाई वाला अंक छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई वाला अंक छोड़ के बाकी दोनों अंकों को जोड़ लिया करेंगे। जब भी हम पढ़ा कोई भी डिजिट होगी, इकाई वाला अंक छोड़ के बाकी दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 19, 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
के आयुष 50 तक का पहाड़ा तथा कक्षा 5 की ज्योतिषी को 40 तक का पहाड़ा याद कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन का ही नतीजा है कि प्राथमिक विद्यालय कुसैला द्वितीय का छात्र आयुष और छात्रा ज्योतिषी को 40 और 50 तक का पहाड़ा कंटस्ट है। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। कितने तक पहाड़े याद किए हैं? 50 तक। 50 तक, अच्छा। 48 का पहाड़ा सुना? 48 के 48, 48 में 96, 48 3 8 44, 48 चक्कू 192, 48 पंचे 240, 48 छक्का 288, 48 सत्ती 336, 48 अट्ठे 384, 48 नवा 480, 48 धाम 480। वेरी गुड। 49 का सुना तो? 49, 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 49
कक्षा में पढ़ती हो? 5 में। अच्छा, कितने तक पहाड़ याद है? 40। ठीक है, 38 का पहाड़ा सुना। 38 की 38, 38 दुना 76, 38 तीन 114, 38 चक्कू 152, 38 पंचे 190, 38 छक्का 228, 38 सत्ती 266, 38 अट्ठी 304, 38 नवा 342, 38 दहम 39 का सुनाओ। 39 की 39 दुना 78, 39 तीन 117, 39 चक्कू 156, 39 पंचे 195, 39 छक्का 214, 39 सत्ती 273, 39 अट्ठी 312, 39 नवा 351, 39 दहम 390। ठीक, शाबाश। परिषदीय शिक्षकों के स्वप्रेरित ऊर्जावान टेक्नो सेबी स्वतः स्फूर्त समूह एडू लीडर्स यूपी द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 4 फरवरी को उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ के ऑडिटोरियम में निपुण भारत शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार एवं एडू लीडर्स यूपी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीम एडू लीडर्स यूपी द्वारा प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। 150 चिन्हित शिक्षकों को एडू लीडर्स यूपी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन को महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने अनुमति देते हुए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 150 शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने एडू लीडर्स यूपी द्वारा समस्त 75 जनपदों में चिन्हित 150 शिक्षकों की सूची जारी करते हुए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उक्त शिक्षकों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का निर्देश भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि एडू लीडर्स यूपी प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत स्वप्रेरित ऊर्जावान टेक्नोसेवी शिक्षकों का एक स्वतः स्फूर्त समूह है, जिसका नेतृत्व बस्ती जनपद के राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्रा करते हैं। एडू लीडर्स यूपी शिक्षकों के व्यावसायिक क्षमता वृद्धि, उनके कार्यों को प्रोत्साहन,
बच्चों के लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने तथा हर वर्ष प्रदेश के सभी 75 जनपदों से 150 शिक्षकों को एडू लीडर्स अवार्ड देने का कार्य करता है। ये समूह सभी 75 जनपदों में अपने व्हाट्सएप समूहों, फेसबुक कुटुंब, वेबसाइट के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व निपुण भारत मिशन की दक्षताओं को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री निर्माण, निपुण भारत वर्कशीट, ज्ञान गंगा ब्लैक बोर्ड संदेश, संस्कार बूझ भाई बूझ, बाल सवाल तथा शब्द संग्रह संदेश प्रेषित करता है। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए समय पर ऑनलाइन वेबिनार, गोष्ठी व सरकार द्वारा समय समय पर संचालित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सहयोगी के रूप में प्रतिभाग करता है। सीतापुर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए गर्व की बात है कि जनपद के 2 शिक्षक इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद द्वारा प्रदेश स्तर पर सम्मानित किए जाएंगे। आई इंडिया के लिए प्रांशु मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।